हेलो गाइज़, वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुपिटर 110 सीसी की, जो अभी लेटेस्ट मार्केट में आई हुई है। हम में से मेरे काफ़ी व्यूअर्स चाहेंगे इस स्कूटी को लेना, और इसीलिए आप शायद इस वीडियो पे आए हो। इस जुपिटर के बारे में सारी इन डेप्थ डिटेल्स मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने स्कूटी को 70 किलोमीटर्स के अराउंड अभी चला लिया है, और मुझे 3-4 दिन हुए हैं स्कूटी को चलाते हुए। अभी आप देख सकते हो मेरे स्कूटी पर नंबर भी नहीं आया है। और चलो बात कर लेते हैं कौन सा मॉडल है, क्या इस सीसी कितने सीसी का ये इंजन है, कितनी इसके अंदर बूट स्पेस कैपेसिटी है। तो बात कर ले, स्कूटी 113 सीसी की जो नई वाली जुपिटर निकाली है वो 113 सीसी की है। जो पुराने वाली जुपिटर थी वो 110 सीसी में आती थी, और पुराने वाली से नए वाले में काफ़ी अपग्रेड्स हैं। इंजन में एफिशिएंसी भी काफ़ी इन्होंने कर दिया है। इन्होंने एक एवरेज बढ़ाने के लिए, माइलेज अच्छी देने के लिए और पावर के लिए TVS ये आईको असिस्ट है, तो ये कुछ असिस्ट का इसके अंदर ऑप्शन आता है, जिसकी वजह से इसके अंदर फ्यूल इकोनॉमी और सारी चीज़ें सही रहती हैं। स्कूटी की फ्रंट प्रोफाइल से बात करें तो हमें एलॉय व्हील मिलेंगे, डिस्क मिलेंगे। टॉप मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये टॉप मॉडल डिस्क एलॉय वाला है। और इसके ऊपर हम बात करें तो इसके अंदर आपको जो डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पे DRL मिलेगी। मैं आप लोगों को जला के दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। ये ऐसी इसके अंदर एक पूरी कनेक्टिंग DRL मिलेगी। बेस मॉडल्स के अंदर ये बीच से ग्लो करेगी, बीच से ग्लो नहीं करेगी, सिर्फ कोने कोने इसके ग्लो करेगी। इस वाली DRL के, ये टॉप मॉडल है, तो टॉप मॉडल के अंदर ये पूरी DRL ग्लो करती है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे TVS का लोगो है, और ये आपको हेडलाइट मिलती है। मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, जला के हेडलाइट। आपको ये ऐसी कुछ हेडलाइट मिलेगी, फुल DRL, फुल LED लाइट है आपके सामने है। और अब आगे बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं तो बात करते हैं इसके मीटर के बारे में। तो जो डिफरेंस है पुरानी स्कूटी से और नई स्कूटी में, न्यू जुपिटर में, वो यही डिफरेंस है कि इसके अंदर आप यहीं से पेट्रोल डलवा सकते हो अपनी स्कूटी का। इसकी वजह से इसके अंदर जो बूट स्पेस था वो काफ़ी बढ़ गया है। और इसके अंदर आप, मैं मीटर ऑन आपको करके दिखा देता हूँ एक सेकेंड। ये देख सकते हो, प्रॉपर डिजिटल मीटर आता है टॉप मॉडल के अंदर। तो इसके अंदर ऊपर टाइम दिखाता है, यहाँ पर हेलो राइडर लिख के आता है, यहाँ पे स्पीड, इको और पावर भी यहीं पे आता है। यहाँ पे किलोमीटर कितनी चलाई और कितनी रेंज बची हुई है स्कूटी के अंदर, और यहाँ पे चेक लाइट वगैरह एंड अदर जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो होते हैं। इधर बात कर ले तो इसके अंदर ये लाइटों के कंट्रोल है। इसके अंदर एक ये हिडन फीचर है, मैं आपको दिखाऊँ तो अगर आप इसको ऐसे दबा के रखोगे तो आपकी स्कूटी के हैजार्ड लाइट्स ऑन हो जाते हैं। आप जैसे यहाँ देख सकते हो, हैजार्ड लाइट्स इसके ऑन हो गए हैं। बंद करने के लिए आपको फिर से इसको एक बार प्रेस करना है, ये हो जाएगा। हॉर्न की आवाज़ सुने तो हॉर्न की आवाज़ कुछ ऐसी है। यहाँ पे इसका ऑटोमेटिक वाला, जैसे जो गाड़ियों में आता है, वो वाला फीचर है। यहाँ पर एक इसका चार्जिंग के लिए पोर्ट दे रखा है, फ़ोन वगैरह किसी को कुछ चार्ज करना है तो वो चार्ज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस सफिशेंट बूट स्पेस है। इसके अंदर बड़े वाली हेलमेट तो नहीं आएगी, बट छोटे वाले आप इसके अंदर दो हेलमेट रख सकते हो। देख सकते हो काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है इसके अंदर। पीछे चले और पीछे बात करें तो पीछे इसके अंदर एक DRL टाइप की टेल लाइट आती है, और इस टेल लाइट के अलावा आप देख रहे हो कोई डिफरेंस नहीं आता स्कूटी के अंदर। जो बेसिक स्कूटी होती है वो सब में यही होती है। इसके अलावा जो आप देख सकते हो टॉप मॉडल है, तो टॉप मॉडल के अंदर ये जो स्मार्ट कनेक्ट आता है ये भी आया है, बट मेरी स्कूटी अब बिल्कुल नहीं है, तो अभी कंपनी वालों ने मुझे वो एक्सेस दिया नहीं है। तो जैसे ही मेरी स्कूटी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो वो मेरे सिर्फ जो मैंने मोबाइल नंबर TVS में दिया था उस स्कूटी से, उस नंबर से मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद कनेक्ट करने के बाद मैं अपने फ़ोन के अंदर ही इसकी रेंज, कितने किलोमीटर चलाइए, कितने इकोनॉमिक में चलाइए, कितने पावर में चलाइए, और अपने फ़ोन वगैरह ही मैं यहीं पर देख सकता हूँ कि किसका फ़ोन आ रहा है, किसका क्या आ रहा है। यहाँ पे मुझे वो दिख जाएगा फ़ोन में। जब वो एप्लीकेशन आएगी तो मैं उसके लिए भी, आपके लिए स्पेसिफिकली एक अलग वीडियो बनाऊँगा। अभी तो मेरे पास वो एक्सेस है ही नहीं। उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो सिर्फ उसी नंबर पे चल सकता है, उसी फ़ोन पे चल सकता है जो मैंने TVS में अपने स्कूटी के साथ रजिस्टर कराया। तो जैसे ही मेरे पास वो आती है मैं आप लोगों के स्पेशली एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप लोगों को स्कूटी के ऊपर कोई और वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और आप जैसे देख सकते हो एवरेज इकोनॉमी 41 की भी एवरेज दे रही है, कंपनी 45 की क्लेम करती है। और एक मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ स्कूटी के साथ ही, अगर आपकी को भी स्कूटी के अंदर कम एवरेज या फिर कम वो लगता है, पावर कम है या दब रही है स्कूटी, तो आप इसके अंदर पावर का फ्यूल डलवा सकते हो। पावर का फ्यूल मैं हमेशा स्कूटी में यूज़ करता हूँ, जिससे स्कूटी की एवरेज भी बढ़ जाती है और पावर भी बढ़ जाती है। सो इसी के साथ थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और नई नई वीडियोज़ देखने के लिए।